दोस्तों आज हम आईफोन 11 का जो ग्लास है वो रिप्लेस करने वाले हैं। किस तरीके इसका ग्लास चेंज होता है आज के वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको ब्रोकन स्क्रीन की जो टच स्क्रीन होती है वो चेक कर लेनी है। टच स्क्रीन जो है वो बिल्कुल सही तरीके से वर्क करनी चाहिए, उसके बाद ही हम इसके ग्लास रिप्लेसमेंट का काम जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये कांच जो है ब्रोकन, उसको आपको थोड़ा सा जॉइंट करना होगा। इसके लिए आपको चाहिए ये स्पेशल लिक्विड जो है ग्लू, जो हम आइस क्रीम में भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसको बहुत ही थोड़ा सा जहाँ से क्रैक है वहाँ पे लगा देना है। ध्यान रखें इसको बॉर्डर में कहीं नहीं लगाना है, नहीं तो ये रिफ्लेक्टर में जाएगा और स्क्रीन जो है वो ख़राब होगी। तो इस तरीके से आपको जहाँ इसके क्रैक्स दिख रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा लगा देना है। कॉर्नर पर भी आप लगा सकते हो पर ज़्यादा नहीं लगाना है। और इसके बाद ये लगाने के बाद आपको जो है उसे यूवी क्योर करना होगा। और ये बाकी का जो लिक्विड है एक्स्ट्रा, उसे हमें एक क्लॉथ की मदद से ऐसे क्लीन कर देना है। ये यूवी क्योर मशीन है, इसमें हमें 1 या 2 मिनट का प्रोसेस करना होगा, उसके बाद हम इसका ग्लास रिमूविंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। ये प्रोसेस हमारा जो है वो ख़त्म हो चुका है। ग्लास पे इस तरीके से हमें जो टेप होती है वो लगा देनी है ताकि ग्लास के जो ब्रोकन पीस है वो अलग ना हो। ये फ्रेम जो है उसको आपको सबसे पहले इस कटर की मदद से कट करना होगा, यहाँ से बहुत ही ध्यान से। फ्रेम जो है वो कट हो चुकी है। फ्रेम रिमूव करने के लिए हमें चाहिए ऐसा एक आयरन, और इसकी मदद से ही हम फ्रेम जो है उसे रिमूव करेंगे। इसकी नोब जो है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए और इसको हमें यहाँ पे टच करना होगा और धीरे धीरे हमें ये फ्रेम से आगे बढ़ना होगा। ये फ्रेम जो है वो इस तरीके से ही बहुत ही आसानी से स्मूथ रिमूव होती जाएगी। इस तरीके से हमें रिमूव करते वक्त जो है वो एक ही जगह रुकना नहीं है, यहाँ से आगे बढ़ते रहना होगा। इस तरीके से फ्रेम जो है हमारी बहुत ही स्मूथ रिमूव हो रही है। और ये जो दूसरा पीस है फ्रेम का, उसको भी हमें इस तरीके से थोड़ा हीट करना होगा और इसको भी हम इस तरीके से ऐसे ही रिमूव कर देंगे। बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएगा। आप देख रहे हैं बहुत ही स्मूथ ये फ्रेम जो है वो ग्लास से रिमूव हो जाता है। यहाँ पे इसका टच का जो फ्लेक्स आता है वहाँ पे थोड़ा केयरफुली आपको वर्क करना होगा। यहाँ पे नीचे का पोर्शन जो है वो किस तरीके से रिमूव होगा मैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। नीचे की साइड से ये जो फ्रेम है यहाँ से हमें इस तरीके से कट कर देनी है। ये नीचे का पोर्शन जो है वो रिमूव ही नहीं करना है, वो वायर लगा के ही हम डिस्प्ले को अलग कर देंगे। ये रिमूव करने पर ही ज़्यादातर स्क्रीन जो है वो ख़राब होती है।
यहाँ पे हम जो है वो वायर डायरेक्टली एंटर करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है वो ग्लास का पीस है नहीं, और ये जो जगह है वहाँ पे हम एक प्लास्टिक पेपर एंटर करेंगे, उसके नीचे से ही हम वायर एंटर करेंगे। इस तरीके का आपको एक स्मूथ पेपर चाहिए, और इसमें ग्लास और स्क्रीन के बीच में आपको बिल्कुल OCM में इस तरीके से एंटर करना होगा, और ये पेपर जो है उसके नीचे से ही हम वायर एंटर करेंगे। आपको इस तरीके की वायर यूज़ करनी होगी 0.028 mm या 0.2 mm, 0.02 mm, और ये जो पेपर हमने लगाई है उसके नीचे से ही हम वायर एंटर करेंगे यहाँ पे।
स्क्रीन जो है हमने चेक कर लिया है और ये जो है बिल्कुल सही तरीके से वर्क भी कर रहा है। इसका टच चेक कर लेंगे, दो फिंगर से भी चल रहा है। तो इस तरीके से स्क्रीन जो है हमारी बिल्कुल सही है। ये जो ग्लास है इस पे ये नीचे का जो पार्ट है फ्रेम वो हमने यहाँ ही रखा, इसको इसको जो है वो रिमूव नहीं किया है। तो आप जो है ये साइड की जो फ्रेम है उसको रिमूव कर सकते हो और ये फ्रेम यहाँ से कट कर दीजिए शोल्डर के द्वारा, तो आपकी स्क्रीन जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे इसका लेंस आता है। ग्लू क्लीन करने के लिए आपको चाहिए ऐसा एक ग्लू क्लीनिंग टूल। इसे हम विदाउट एनी केमिकल ग्लू जो है वो क्लीन करेंगे। इस पे कोई भी किसी भी तरीके का जो केमिकल है वो यूज़ ही नहीं करना है हमें, सिर्फ ये ग्लू रिमूवर की मदद से ही ये जो ओसी ग्लू है उसे क्लीन करना होगा। इस तरीके से हम पूरा ग्लू क्लीन कर देंगे और इसे स्पंज के द्वारा फिनिश कर देंगे। इसके बाद हम जो है इसकी टच जो है उसे रिमूव करेंगे। टच बंद नहीं है पर हमें सिखाने के लिए आपको इसकी टच भी जो है वो रिमूव करनी पड़ेगी। ग्लू क्लीन करने के लिए हम थोड़ा सा 530 केमिकल जो है वो यूज़ करेंगे, सिर्फ फिनिशिंग के लिए यूज़ होता है और हम ज़्यादा इसको क्लीन नहीं करेंगे, हमें वैक्यूम हो इतना ही क्लीन करना है क्योंकि हमें टच जो है वो रिमूव कर देनी है। टच स्क्रीन रिमूव करने के लिए आपको सबसे पहले ऐसा एक सॉफ्ट पेपर चाहिए और उसे डिस्प्ले और टच के बीच में एक ओसी होता है उस पर इस तरीके से एंटर करना होगा। आपको यहाँ पे वाइट दिख जाएगा, उसके बाद आप जो है वो इस पे वायर एंटर कर सकते हो। इस तरीके से आप जो टच स्क्रीन है उसे बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हो। ये हमने ये पेपर जो है वो हटा दिया है क्योंकि ये जो इसका मटेरियल होता है इसमें कॉर्नर पे जो है पावर सप्लाई होती है और ऐसा मुड़ने पर ऐसे क्रैक ही हो जाती है, तो आपका टच जो है कभी कभी ख़राब हो सकता है इसकी वजह से। हमने आपको टच रिप्लेस करके भी दिखा दिया है कि इस तरीके से टच जो है वो रिमूव होता है, बहुत ही आसान है। इसका ग्लू जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। इस तरीके से इसका ग्लू रिमूव करना है, कोई भी केमिकल इस पे यूज़ नहीं करना, सिर्फ टूल की मदद से ही हमें जो है ऊपर का ओसी है उसे रिमूव करना होगा। और ये ग्लू जो है हमने इस तरीके से पूरा क्लीन कर दिया है, अब सिर्फ ये स्क्रीन जो है उसको फिनिश करना है। और ये 530 क्लीनर की मदद से ही हमें स्क्रीन जो है उसे क्लीन कर देनी है और आपको एक ऐसा स्पंज चाहिए। ध्यान रखें कि ये जो लिक्विड है वो कॉर्नर के अंदर रिफ्लेक्टर में ना चला जाए, तो आप लिक्विड जो है वो थोड़ा सा ही यूज़ कीजिएगा और ऐसे ही स्मूथ तरीके से ही उसे क्लीन करना है। इस तरीके से हमने स्क्रीन जो है उसे चेक कर लिया है और टच स्क्रीन जो है उसका रिमूव कर दिया है। स्क्रीन जो है वो बिल्कुल सही है, इसके ऊपर टच नहीं है तो टच वर्क नहीं करेगा। इसके ऊपर अब हमें जो टच लेमिनेशन करेंगे। ये टच स्क्रीन का जो पुराना बेल्ट है
उसे हमें इस तरीके से ध्यान से रिमूव कर देना है। ये टच जो है वो विथ ओसी है और इसके ऊपर हमें ये पन्नी जो है उसे रिमूव करना होगा और ये स्क्रीन जो है उसे बिल्कुल ही हैंड अलाइनमेंट करेंगे। बिल्कुल हाथों से ही आपको जजमेंट लेनी है इसकी। और ये बिल्कुल सेंटर में ही हमें सेट करना है, बीच में हम टच कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से और इस तरीके का कुछ व्यू दिखेगा आपको। और ऐसे ही हम स्मूथ सीट यूज़ करेंगे। इसके बेल्ट जो है वो इस पोजीशन में आएंगे और हमें ऐसे ऐसे रबर पे रखना होगा। मैनुअल मोड में हम इसे लेमिनेशन करेंगे, वैक्यूम पहले स्टार्ट करेंगे। वैक्यूम का जो रीडिंग है वो 100 के ऊपर चला जाए उसके बाद हमें थोड़ा वेट करना है और ये डाउन जो है वो हमें प्रेस करना होगा। और पहली बार में हमें प्रेस इतना ही करना है जो ग्लास को सिर्फ टच करेगा। ये ग्लास को सिर्फ टच हुआ है, स्क्रीन जो है वो फाइनली लेमिनेशन नहीं हुई है। ये थोड़ी देर जो है वो हीटिंग होगा तो उसी एक ही जो चिपकने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा हो जाएगी और अच्छी तरीके से लेमिनेटन हो पाएगी स्क्रीन। ये हमने इतने सी स्क्रीन जो है उसे पंच किया है, वैक्यूम ऑफ कर दिया। एक बार थोड़ा सा और पंच करेंगे और इसे अप कर देंगे और वैक्यूम जो है उसे रिलीज कर देंगे। ये हमारी स्क्रीन जो है वो लेमिनेशन हो चुकी है। ये जो बबल्स है वो बबल्स रिमूविंग में रिमूव हो जाएंगे। ये स्क्रीन जो है हमारी बिल्कुल सही हो चुकी है। इसको फाइनली हम एक बार टेस्ट कर लेंगे। ये स्क्रीन जो है बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रही है और उसमें टच स्क्रीन जो है वो भी बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो किस तरीके से ये स्क्रीन जो है आईफोन 11 की जो रिफर्बिश होती है जिसका ग्लास और टच स्क्रीन किस तरीके से चेंज होता है वो हमने आपको इस वीडियो में दिखा दिया है।